अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो थंबनेल आप लोगों ने देख लिया होगा और थंबनेल देखने के बाद ही इस वीडियो पे क्लिक किया है। तो यार अगर क्लिक कर लिया है तो वीडियो को पूरा देख लेना, क्योंकि आप लोगों के लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाली है ये वाली वीडियो। क्योंकि आज मैं आपके साथ एक ऐसा एंड्रॉयड एप्लीकेशन यूज़ करने जा रहा हूँ जो कि बहुत ही कमाल का और आप लोगों को हर तरह से प्राइवेसी देता है। मतलब चाहे वो ब्लूटूथ हो, चाहे वो आपका वाईफाई हो, आपका डाटा कनेक्शन हो, कोई ऐप इंस्टॉलेशन हो या फिर ऐप अनइंस्टॉलेशन, हर तरह से आप लोगों को देता है। इसके अलावा आपके मोबाइल फ़ोन में जो एप्लीकेशन है उन्हें तो वो देता ही देता है, क्योंकि वो तो आपके फ़ोन में इंस्टॉल्ड है। तो हम लोग चलते हैं उस एप्लीकेशन पे और आप लोगों को मैं उसका कुछ इंटरफेस बता देता हूँ और आपको उसकी कुछ डिटेल समझाऊँगा, क्योंकि उसका कुछ समझना थोड़ा डिफ़िकल्ट है, क्योंकि वो बहुत ही अच्छा एप्लीकेशन है। अब मज़े की बात यह है कि वो बहुत ही लाइट वेट है, 1 से 2 MB का सिर्फ। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले यार चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में मौजूद घंटी वाले आइकन पे प्रेस करने के बाद ऑल पे क्लिक कर दो ताकि आपको ऐसी आने वाली तमाम तर वीडियोस मिलती रहे। तो आप लोगों के सामने लॉक ओपन है, मैंने इस पे एक पिन सेट करके रखा हुआ है। तो इसका देखिए बड़ा ही कमाल का लुक, बहुत प्यारा है, मुझे इसकी लुक बहुत अच्छी लगती है। अब जी यहाँ पे मैं पिन इंटर कर देता हूँ। जैसे ही मैंने पिन इंटर किया यहाँ पे मेरे सामने कुछ आ जाती हैं एप्लीकेशन। इन एप्लीकेशन को मैं इनेबल कर सकता हूँ, साथ में एक डबल फेक लॉक लगा सकता हूँ। इसके अलावा इसकी जो नोटिफिकेशन है उन्हें ऑफ़ कर सकता हूँ, मतलब कि जब तक मैं इसमें पासवर्ड नहीं लगाऊँगा इसकी नोटिफिकेशन किसी भी चीज़ की मुझे नज़र नहीं आएंगे। तो अब जी मैं इसकी कुछ सेटिंग में चलता हूँ, आपको कुछ सेटिंग समझाता हूँ। ऊपर आप लोग यहाँ पे पासवर्ड चेंज कर सकते हैं, नीचे स्क्रीन लॉक लगाना चाहते हैं मतलब स्क्रीन को जब स्टार्टिंग में जो लॉक आता है वो भी आप इस ऐप से लगाना चाहते हैं तो भी लगा सकते हैं। अब यहाँ पे जी ऑब्जर्व, इसका ये मतलब ऐसे जैसे ही आप लोग इनेबल करते हैं तो आपके फ़ोन में जो बंदा भी एंट्री मारेगा और आपके इस एप्लीकेशन जिसको आपने लॉक लगाया हुआ होगा इस एप्लीकेशन के थ्रू अगर वो एक दफ़ा, दो दफ़ा और तीसरी दफ़ा पासवर्ड लगाने की कोशिश करता है तो ये फ्रंट कैमरे से उसकी तस्वीर को कैप्चर कर लेगा और वो तस्वीर आपको यहाँ पर नज़र आएगी जो भी बंदा इसमें एंट्री मारने की कोशिश करेगा, चाहे आपका वो व्हाट्सएप हो या फिर जो भी चीज़। आप लोगों ने ऑब्जर्व को ऑन कर देना है और यहाँ पर आपको टेक नज़र आ जाएगा, ठीक है। अब मल्टीपल पासवर्ड पर आप लोग क्लिक करके यहाँ पे मल्टीपल पासवर्ड सेट कर सकते हो, ये भी आपके पास एक अच्छा ऑप्शन है। अब जी अगला रिमोट कंट्रोल है, इसे रिमोट कंट्रोल भी कर सकते हो किसी और डिवाइस के साथ। सिस्टम लॉक के अब पे आ जाते हैं तो यहाँ पे आपको बहुत ही कमाल के देखे कुछ ऑप्शन मिल जाते हैं, जिसमें रीसेट टैब को आप लोग लॉक लगाना चाहते हो तो इनेबल कर सकते हैं। इनकमिंग कॉल्स, मतलब कि आप लोग नहीं चाहते कि मेरी कॉल आ रही हो और कोई और उठाए विदाउट पासवर्ड, तो आप लोग यहाँ पे कॉल पे भी पासवर्ड सेट कर सकते हो। मतलब कि आपकी कॉल आएगी, आप जब तक पासवर्ड नहीं लगाओगे कोई भी उसका आंसर नहीं कर पाएगा, उसे कोई भी नहीं सुन सकता आपके बिना जिसे पासवर्ड नहीं पता। न्यू ऐप ऑटो लॉक, मतलब कि आप लोग जो भी न्यू ऐप इंस्टॉल करोगे क्या वो ऑटो लॉक हो जाए, येस इनेबल कर दें। जी हाँ, जो कोई भी एप्लीकेशन इंस्टॉल होते ही लॉक हो जाए और लॉक आपको पता होगा तो आप ही खोल पाओगे। अब यहाँ पे जी ऐप इन्फो पेज किसी भी जो एप्लीकेशन का इन्फो पेज होता है उसे लॉक लगे, क्योंकि वो बंदा अगर इन्फो पेज तक चला जाता है तो उसे अन इंस्टॉल कर सकता है, फॉर स्टॉप कर सकता है। तो आप लोग इसे भी इनेबल कर दो, जी हाँ वो बंदा उसके इन्फो तक पहुँचे ही ना। अब जी अगला USB कनेक्शन, कोई भी आपके फ़ोन के साथ अगर USB कनेक्शन करता है या फिर PC के साथ कनेक्ट करने की कोशिश करता है तो इसे भी आप लोग इनेबल करना चाहते हो, जी हाँ इसे भी इनेबल कर दिया। सारे हो गए इनेबल और मेरा फ़ोन बिल्कुल मुकम्मल एक्टिव हो चुका है। मतलब कि क्या मतलब ये कि कोई भी किसी भी चीज़ पे जब तक पासवर्ड उसे नहीं पता होगा वो नहीं उस ऐप तक पहुंच सकता, चाहे वो कॉल हो, ब्लूटूथ हो या फिर PC कुछ भी। यहाँ पे आप लोग टाइमर सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है, उस टाइम अनलॉक हो जाए आप लोग सारी चीज़ें, या ये वाला नाम आए तो अनलॉक हो जाए, वाईफाई पे ये वाला नाम आए तो अनलॉक हो जाए, या फिर ये वाला टाइम हो तो अनलॉक हो जाए, ये वाली चीज़ें भी आप लोग सेट कर सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन में आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि मैं ऐसी वीडियोज़ आप लोगों के लिए डेली बेसिस पर लाता रहता हूँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।